मित्रों, क्या आपको पता है कि केएल राहुल ने पिछले 11 टेस्ट इनिंग में कुल जमा 200 रन भी नहीं बना पाए हैं। इनफैक्ट 25 रन का स्कोर वो सिर्फ एक ही बार पार कर पाया है। पिछले 11 टेस्ट इनिंग में अगर आप केएल राहुल का स्कोर देखेंगे तो 50, 8, 12, 10, 22, 23, 10, 2, 20, 17 और 1। कहने का मतलब है कि पिछली 11 इनिंग्स में कुल जमा 200 रन भी नहीं बनाए हैं केएल राहुल ने, लेकिन इसके बावजूद केएल राहुल को मौके पर मौके पर मौके पर मौके पर मौके दिए जा रहे हैं। और इतने सारे मौके इस केएल राहुल को किसकी जगह पर दिए जा रहे हैं, इतने सारे मौके केएल राहुल को मिल रहे हैं शुभमन गिल की जगह पर, जिसने पिछली 10 इनिंग में 724 रन बनाए, वो भी 90 प्लस के एवरेज के साथ। लेकिन हमारी टीम इंडिया, बीसीसीआई, बीसीसीआई मैनेजमेंट और कोच राहुल द्रविड़ को शुभमन गिल का फॉर्म और उसका जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दिखाई दे रहा है। इन्हें अगर कोई दिखाई दे रहा है तो केएल राहुल का पास्ट रिकॉर्ड, और इसी पास्ट रिकॉर्ड के बूते राहुल द्रविड़ बार बार कहते फिर रहे कि अरे भैया केएल राहुल बड़ा क्लासी प्लेयर है, हम उसे बैक करेंगे, बैक करेंगे, बैक करेंगे। पता नहीं कितने सालों से ये बैक करते चले आ रहे हैं, और अब जिस तरीके से राहुल द्रविड़ ओपनली केएल राहुल को बैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, डिजर्विंग लोगों को बेंच पर बिठा रहे हैं और हगोड़े प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में ला रहे हैं, कहीं ना कहीं टीम इंडिया का बेड़ा गर्क करने का भर भर के इंतजाम कर रखा है राहुल द्रविड़ ने। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि राहुल द्रविड़ एक लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, हमारे टीम इंडिया के मिस्टर वॉल के नाम से वो जाने जाते हैं। लेकिन ये वो राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को 6 रन नहीं बनाने दिए थे। सचिन तेंदुलकर 194 पर था तभी राहुल द्रविड़ ने वहां पर इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। तो वो राहुल द्रविड़ जो कि यहां पर भर भर के पेशेंस दिखा रहे हैं, केएल राहुल को मौके पर मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन इसी राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर को 6 रन नहीं बनाने दिए थे, उनकी डबल सेंचुरी नहीं होने दी थी। 194 पर थे सचिन तेंदुलकर तब राहुल द्रविड़ ने इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। तो ये पेशेंस जो राहुल द्रविड़ आज दिखा रहे हैं उस टाइम क्यों नहीं दिखाए थे, क्योंकि केएल राहुल जैसा हगोड़ा जो कि न T20 में चलता है, न वनडे में चलता है, न टेस्ट में चलता है, हाँ ये केएल राहुल नाम का हगोड़ा सिर्फ IPL में चलता है क्योंकि वहाँ संतरी कैप रहती है, संतरी कैप इसे दिखाओ तो ये रन बनाता है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इस IPL में अगर ये अच्छा चल जाएगा तो फिर से इसको टीम इंडिया में रख लेंगे, फिर से इसे ओपनिंग कराएंगे और वहाँ पर ये फिर से हगेगा, फिर से राहुल द्रविड़ बोलेंगे अरे वो अच्छा प्लेयर है, उसने IPL में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, हम उसे बैक करेंगे। अरे तुम बैक पर बैक करते चले गए, फ़ायदा क्या हुआ 2017, 2019, 2021, 2022 और अभी पीछे एशिया कप हुआ था, बड़े बड़े मैचेस में ये फिसड्डी साबित होता है। ये है इसका केएल राहुल का ट्रैक रिकॉर्ड। ये ट्रैक रिकॉर्ड पता नहीं क्यों राहुल द्रविड़ नहीं देख रहे हैं, राहुल द्रविड़ बस ये देख रहे हैं कि केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में सेंचुरी मारी। अरे भैया जब मारी तब मारी थी, आज क्या मार रहा है। अब जाहिर तौर पर तुम इतने सारे मौके दोगे 10 मैचों में, किसी एक मैच में वो चल जाएगा, उसके बाद तुम अगले 20 मैच और खिला दोगे, तो भाई साहब ये जो पैटर्न है ना, ये जो ट्रेंड है, ये बेहद घटिया है, क्योंकि डिजर्विंग प्लेयर, इनफॉर्म प्लेयर्स बाहर बैठे हैं, नॉन डिजर्विंग प्लेयर्स अंदर टीम में खेल रहे हैं। अब आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में, कि आपको नहीं लग रहा कि केएल राहुल से मोहब्बत में कुछ ज़्यादा ही पगला चुके हैं राहुल द्रविड़? अब सेम स्टेट से आते हैं, सेम सिटी से आते हैं, नाम भी एक ही जैसा है, तो एक तरफा मोहब्बत में कुछ लगता है कि ज़्यादा ही बायस्ड हो रखे हैं राहुल द्रविड़। इतने मौके किसी और प्लेयर को शायद कोई नहीं देगा जितने कि केएल राहुल को यहाँ पर राहुल द्रविड़ बार बार मौके पर मौके दिए जा रहे हैं, जबकि वो हर मौके पर सिर्फ और सिर्फ हगता चला जा रहा है। क्या है आपका ओपिनियन, कमेंट कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।